हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं तिल की लड्डू। जिसके लिए सामग्री लगेगा तो हम बता देते। देखिए, हम ये सफ़ेद वाले तिल लिए हैं और ये इधर हम गुड़ लिए हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम तिल को भून लेते हैं गाइस। तो हम गैस जला दिए हैं और कढ़ाई भी देखिए हम चढ़ा लिए हैं। देखिए, हम गैस जला कर कढ़ाई चढ़ा दी। हमारा कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो उसमें कढ़ाई में हम तिल डाल के इसको लाल करेंगे। देखिए, हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, उसमें डाल देते हैं तिल। अब इसको हम भून लेते हैं अच्छी तरह से, तब इसका लड्डू बनाएंगे गाइस। हम थोड़ा ही से बना रहे हैं गाइस, आप लोग जितना बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से आगे हम तिल को भून लेते हैं। देखिए, इस तरह से तिल को हम भून लेंगे तब लड्डू बनाएंगे इसका। आप लोग भून के बनाइएगा तो उसका टेस्ट दूसरा रहेगा, अच्छा लगेगा। तो देखिए गाइस, हमारा तिल भुना गया है। अब इसको हम गैस बंद कर देते हैं। अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। हमको ज़्यादा नहीं भुनना है, बस थोड़ा सा हल्का सा एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए गाइस, हम तिल को भून लिए अच्छी तरह से। अब इसी कढ़ाई में हम गुड़ को भी बना लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। तो देखिए, हम थोड़ा सा पानी डाल दिए। अब इसी में हम डाल देंगे गुड़। अब गुड़ को हम अच्छी तरह से पका लेते हैं। जब हमारा गुड़ अच्छी तरह से पक जाएगा तब हम तिल का लड्डू बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हम गुड़ को पका लेते हैं। तो देखिए गाइस, हम गुड़ को अच्छी तरह से अपना पकाएंगे। जब ये पक कर खूब अच्छी तरह से पक जाएगा, जब इसमें से ऐसे चीट चीट करने लगेगा गाइस, तब हम समझ लीजिएगा कि गुड़ आपका अच्छी तरह से पक गया है। तब उसका लड्डू अच्छी तरह से बंधेगा। अगर गुड़ आपका अच्छा नहीं पका रहेगा तो आपका लड्डू नहीं बनेगा। देखिए, इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हमारा गुड़ भी पिघल जाएगा। अभी ये पिघला नहीं है गाइस, इसी तरह हम पकाएंगे गुड़ को। गुड़ का हम चाशनी बनाएंगे अच्छी तरह से। देखिए, हमारा गुड़ अच्छी तरह से जब ये घुल जाएगा तभी पकना स्टार्ट होगा गाइस। तो देखिए, इस तरह से हम देखिए गैस, हमारा गुड़ पक गया है। अब गैस को कर लेते हैं हम बंद। अब इसमें हम डाल देते हैं ये तिल जो है, इसमें तिल डाल के इसको अच्छी तरह से हम चला लेते हैं। अब ठंडा ये हो जाएगा तब हम इसका लड्डू बनाएंगे। तो देखिए, ये अभी ठंडा नहीं हुआ है गैस। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसका हम लड्डू बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से इसका हम लड्डू बनाएंगे। तो हम ठंडा कर लेते हैं, ठंडा हो जाएगा तब हम अच्छी तरह से इसका लड्डू बनाएंगे तिल का। तो देखिए, इस तरह से ठंडा कर लेते हैं। गैस हम बंद कर लिए हैं। देखिए, इसी तरह हम कढ़ाई में ठंडा करेंगे इसी में। तो देखिए गैस, हम प्लेट में निकाल दिए हैं। अब ये ठंडा भी हो गया है। इसमें देखिए, हम कटा हुआ वो डाले हैं गरी। तो इसके साथ ये गरी डालकर आप लोग लड्डू बनाइएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो देखिए, हम हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं, इससे हमारा हाथ में चिपकेगा नहीं। अब देखिए, हम बना लेते हैं तिल का लड्डू। देखिए, हमारा बैटर ठंडा हो गया है। अब छोटा बड़ा जैसे भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम बना लेते हैं। हाथ में आप पानी लगा लीजिएगा, नहीं तो आपके हाथ में चिपकेगा गाइस। तो देखिए, इस तरह से हम बना लेंगे।
तो देखिए गाइस इस तरह से हम बनाएंगे। हाथ में हम पानी लगा लिए हैं, नहीं तो हाथ में आपके बैटर चिपकेगा। तो देखिए इस तरह से छोटा बड़ा आप अपने ऊपर है बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम बना लेते हैं, सारा इसी तरह हम बनाकर आपको दिखाते हैं। देखिए गाइस हमारा तिल का लड्डू बन के रेडी हो गया है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा बना था। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।